बस इसको हम इसको अच्छा। प्रोसेस को तेज करते हैं हम। नहीं नहीं स्पेन जाने नजम को कहे हम सबको साथ लेके जाए स्पेन, हम वहां से मॉर्निंग शो करेंगे। ये तो फिर बात है ना। अच्छा नजम आपसे एक बात पूछनी है जी जी। कि आपने कुरान पाक हिफ्ज किया है जी जी। तो आपके साथ यकीनन आपकी अम्मी की बहुत मदद शामिल होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, बल्कि मेरी मदर ने फोन भी एक दफा किया था कि मैंने कुरान हिफ्ज जो है वो किया ही अपनी मदर की ख्वाहिश के ऊपर है। हाँ। और उन्होंने ही मुझे करवाया, वो खुद आलमा है। तो 2.5 साल की उम्र में मैंने हिफ्ज करना शुरू किया था, जो 9 साल की उम्र में मैंने हिफ्ज कर लिया था। तो एक मदरसे का सिर्फ नाम था कि मैं उधर जाता हूँ, क्योंकि वहां से एक सनद मिलनी थी, लेकिन सारा का सारा हिफ्ज मुझे जो है मेरी वालदा ने करवाया घर में। माशाल्लाह। मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना, मैंने अपनी बेटी को अपनी ख्वाहिश पे कुरान पाक हिफ्ज करवाया था। तो मुझे सब कहते थे कि इसको आप स्कूल से उठा लो, तो मैं उसको स्कूल से नहीं उठाना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर दो टाइम कारी साहब घर आते थे, सुबह भी और शाम को भी। फिर उसके साथ बहुत ज्यादा मेरी मदद शामिल होती थी।